Hey guys and welcome back to the Pokemon Fire Ash version, जहाँ पर दोस्तों पिछली बार हमने सीजन 9 बिगिन किया था एंड गाइस यार हमने बैटल फ्रंटियर भी दोस्तों स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले हमने दो ट्रेनर हमने दो फ्रंटियर ब्रेन्स के दोस्तों साथ बैटल किया था, जो कि थे यहाँ पर नॉर्मन एंड ग्रेटा। सो गाइस यार आज हम जाने वाले हैं दोस्तों अपने आगे के चैलेंजेस के लिए। बट गाइस यार मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो अपने आने वाली क्लिप से ना 2 मिनट बाद की, तो उसके पहले दोस्तों उसके बाद ये वीडियो शूट की है। टेक्निकली ये वीडियो दोस्तों फर्स्ट शूट हुई थी, बट ड्यू टू माय मिस्टेक यहाँ पर मैं दोस्तों यहाँ पर क्या कहूँ कि गाइस यार यहाँ पर बैटल डोम नीचे है एंड गाइस यार गलती से मैंने मतलब कि शूट किया। यहाँ पर जितने भी बैटल्स थे ना दोस्तों यहाँ पर अभी आप देख सकते हो बैटल नहीं होंगे, क्योंकि मैंने जितने भी बैटल्स थे उतने सारे के सारे कर लिए थे। आगे चलकर हमारा टीम रॉकेट के साथ भी बैटल हुआ था, वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया था। वहाँ पर मुझे एक एग मिला था, अभी भी दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, वो आपको आगे चलकर पता चलेगा। तो गाइस यार वो गलती से दोस्तों यहाँ पर जो है वो मेरी फाइल डिलीट हो गई। ऐसा 99% नहीं होता है, बट कल क्यों हुआ आई डोंट हैव एनी आइडिया गाइस यार, सॉरी माफ कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा अगले टाइम से। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे मैं भी ध्यान दूंगा एंड फिर ही दोस्तों जब तक वीडियो अपलोड नहीं हो जाती ना तब तक मैं कोई भी वीडियो फाइल डिलीट करता नहीं हूँ। बट कल कैसे हो गया मुझे कोई दोस्तों अंदाजा नहीं है, मतलब कि शायद वो जल्दबाजी में मुझसे डिलीट हो गया, माफ़ कर दीजिए गाइस यार। अभी सीधा हम अपने नेक्स्ट क्लिप की शुरुआत करते हैं, आपको तो कुछ भी नहीं करना है, मुझे ही वो क्लिप ऐड करनी है। सो या गाइस यार यहाँ पर हम अभी चलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। सो गाइस यार यहाँ पर अपनी नेक्स्ट क्लिप जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। सो चलो गाइस यार यहाँ पर अभी हमें चैलेंज करने जाने हैं। यो यार टू बैटल टॉक, आर यू रेडी? यस। सो हे गाइस यार, वेलकम टू द बैटल डोम, जस्ट अ लवली, डू यू हियर इट, दिस क्राउड, दे आर ऑल इचिंग टू सी अ मैच, हा हा हा, आई बेट यू आर टीचिंग ऑल ओवर द फ्रॉम द टेंशन ऑफ द गेटिंग बैटल विद मी। तो गाइस यार इस बैटल के लिए जाएगा पिकाचू एंड ग्रूवाइल। सो हियर वी गो गाइस यार, न्यू द गेम वर्सेस द थर्ड फ्रंटियर ब्रेन डोम इज टक। सो गाइस यार आप लोग बोलोगे तो ऐश ने इस बैटल के लिए स्वेलो एंड कॉर्फिश का इस्तेमाल किया था। मैंने कह दूँ ना मैंने टोटल 4 बार उन दोनों का इस्तेमाल किया, बट हुआ क्या ना गाइस कि हर बार जो है कॉर्फिश एंड डस्वेलो कि दोनों भी यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एनिमे तो दिखा देखे यार, एनिमे तो आपको पता देखे ही जाएगा कि यहाँ पर मैं क्या कहूँ। तो दोस्तों यार आपको एनिमे तो यहाँ पर ऐश तो कौन से भी यहाँ पर यार पिकाचू तो यहाँ पर स्वैंपट को भी हरा देगा एनिमे में, बट अभी वो हरा नहीं सकता क्योंकि यार यहाँ पर टाइप मैचअप्स होते हैं। अगर टाइप मैचअप्स ना हुए यहाँ पर मैं कोई भी यहाँ पर स्वैंपट को इलेक्ट्रिक टाइप मूव दे नहीं सकता, क्योंकि वो एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन भी है। बट अगर ये अभी एनिमे चालू होता तो अब ये ऐश कैसे ना कैसे करके तो दोस्तों यार जमीन आसमान एक करके स्वैंपट को पिकाचू की मदद से हरा देता था, बट मैं ऐसा ये नहीं कर सकता। इसलिए गाइस यार मुझे यहाँ पर पिकाचू एंड ग्रूवाइल का मैंने इस्तेमाल क्यों किया इस बैटल के लिए, क्योंकि ग्रूवाइल ही इससे जो है अपने स्वैंपट को उसके स्वैंपट को जो है हरा सकता है। अभी आप देखो दोस्तों यहाँ पर 1 हिट में जो है यहाँ पर स्वैंपट को हरा दिया है। अगर मैं यहाँ पर स्वैट अगर आपको बता दूँ ना, मेरा तो कि 4 बार मैंने इसके साथ बैटल किया और वो 4 बार मैं हार गया था। यस, जब मैंने स्वेलो एंड कॉर्फिश का दोस्तों इस्तेमाल किया। तो यस गाइस यार हमने थर्ड फ्रंटियर ब्रेन को हरा दिया है। सो चलो गाइस यार यहाँ पर चलते हैं यू ऑन द टैक्टिक सिंबल। ओके, तो यहाँ पर हमें टोटल अभी 4 सिंबल्स चाहिए। सो चलो गाइस यार यहाँ पर शुरू में अच्छा गो टू दिस बैटल पाइप इज लोकेटेड इन द फ्यूचर सिटी इनसाइड द सफारी जोन। ओके थैंक यू सो मच फॉर कांग्रेचुलेशन गाइस। तो गाइस यार अभी सीधा चले जाते हैं दोस्तों हम सीधा फ्यूचर सिटी के सफारी जोन में। हाँ यार पिछली बार जब मैं गया था ना फ्यूचर सिटी के सफारी जोन में काफ़ी टाइम हो गया था, वो तो अभी 3-4 महीने हो गए रहेंगे, तो तभी ना वो सफारी जोन में ना काफ़ी सारी चीज़ें बंद थी क्योंकि शायद अभी वो कंस्ट्रक्शन में थी, शायद अभी वो कंस्ट्रक्शन जो है वो 4 महीने हो गए यार, इसलिए वो शायद कंप्लीट हुआ भी होगा। हम तब तक 3 रीजन्स अगर घूम के आए इंक्लूडिंग ऑरेंज लीग, वरना तो 2 ही रीजन्स। तो गाइस यार आप यहाँ पर प्लीज चेकआउट कर दीजिए, इस डेकेयर सेंटर में आपको एग मिलेगा, मैंने रखा हुआ है वो एग, पता नहीं कब हैच होगा। तो गाइस यार यहाँ पर अभी हम सीधा चले जाते हैं दोस्तों फ्यूचिया सिटी के लिए। तो चलो गाइस यार यहाँ पर अभी हम चलते हैं एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गैप आज के सुबह के वीडियो के लिए। एंड मैंने ये टॉपिक ना अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए भी दोस्तों शेयर किया है, बट मैं आपसे फिर से ये कहना चाहूँगा ये टॉपिक के बारे में। सो गाइस यार यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ आपसे
कि ये वीक में जो है आपको पिछले आगे वाली वीडियो में पता चली जाएगा, बट अगली वाली जो आप पोकेमॉन एरो की वीडियो आप देखते नहीं हो यार, देखा करो, बहुत अच्छा गेम है। पोकेमॉन फायरस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइस आप पोकेमॉन फायरस में तो हाजिर हो जाते हो, बट आप 3:30 बजे हाजिर नहीं हो पाते, शायद आपका कुछ तो काम होगा मुझे पता है, बट यार बाद में तो अपीयर हुआ करो। ज़्यादा नहीं यार, 15 मिनट की वीडियो रहती है, पूरा देख के जाओ यार, मज़ा आएगा दोस्तों आपको और मुझे भी आप अगर देखोगे तो। सो गाइस यार मैं कह रहा था आपसे कि अगले वीक जो है अपनी वीडियोस कम आ सकती है, ये वीक नहीं अगली वीडियो बना था कि ये वीक, क्योंकि गाइस यार यहाँ पर मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं अभी, 12th के ऑनलाइन ही चल रहे हैं, एंड गाइस यार वो इंपॉर्टेंट एग्जाम है रिलेटेड टू माई रिजल्ट, सो मुझे वो अपीयर करना मस्ट है यहाँ पर, इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं फोकस जो है मेरा अभी वहाँ पर चले जा चुका है, शायद वीडियो जो है वो नहीं आ सकती, तो मैंने पहले ही रीज़न बता दिया है, मैंने अपने आगे वाली वीडियो में भी बता दिया है गाइस यार। एंड गाइस यार यहाँ पर सीनो सीजन के पोकेमॉन यहाँ पर शायद स्विच हो चुके हैं, तो यार यहाँ पर तो सारे के सारे यहाँ पर गार्ड्स खड़े हैं, पता नहीं यार, ओके ये तो भी जाने नहीं दे रहा है, तो देख लेते गाइस यार। तो मैं आपसे कह रहा था कि गाइस यार ये वीक जो है वो अपना काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है संडे तक, हाँ क्योंकि अगले वीक से जो है वो रेगुलरली वीडियोस आएंगी ही आएंगी, कोई भी उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। एंड अपना जैसे ही पोकेमॉन एरो खत्म होगा ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक ऑसम गेम आ रहा है, आप लोग डेफिनेटली उसे देखना पसंद करोगे, यस, क्योंकि वे एक GBA रोम हैक है जो 10 महीने पहले रिलीज हुआ था अगर मेरा अंदाज़ा गलत ना हो तो। एंड उस यूट्यूबर ने मतलब कि मेरा यहाँ पर मैं फैन है उसका, उसने अभी मेरे आपको हिंट दे रहा हूँ वो थोड़ा समझ लीजिएगा, तो वो उस यूट्यूबर ने ना अभी यूट्यूब छोड़ दिया है, अपना चैनल उसको दूसरे को दे दिया है, एंड गाइस उसने वो गेम ना खेला नहीं है, बस उसका शोकेस किया था, तो गाइस यार वो हम गेम खेलने वाले हैं, मैंने बस उसका फर्स्ट इंप्रेशन देखा एंड इट वॉज रियली ऑसम। GBA है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो, उसने तो अपनी सारी की सारी वीडियो अभी डिलीट कर दी है, चैनल उस लड़की को दे दिया किसी उसकी जानी मानी दोस्त को, अच्छा है उसका डिसीजन है, हमें उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ओके हाय ब्रो कैसे हो? हे ब्रो हैव यू सीन द पेटल पाइक ओवर देयर, सो मेनी प्रीटी गर्ल्स, आई कुड बेयरली कंटेन माय सेल्फ, यू आर गोइंग टू चैलेंज हर, वेल इफ यू कांट बीट मी यू डोंट डिजर्व टू वेस्टिंग हर टाइम। तो चलो गाइस यहाँ पर जल्दी से जल्दी ब्रॉक को जो है वो हरा लेते हैं। तो गाइस उसने फोर्ट्रेस का इस्तेमाल किया है, देखते हैं गाइस यार यहाँ पर। ओके फोर्ट्रेस यहाँ पर स्टडी पे रुका, चलो। एंड गाइस यार पिछली बार मैंने वॉल टैकल क्या सीख लिया यहाँ पर, तो पिकाचू बोल्ट टैकल तो अच्छा कर रहा है, बट यार डैमेज भी उतना अपने को ही हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे फिर से ना डिस्चार्ज या सीखना चाहिए यहाँ पर। विक अटैक में शायद भूल जाऊँगा शायद, क्योंकि अभी वक्त आ भी चुका है यार विक अटैक को भूल जाने का, कितने दिन तक हम यार रखेंगे क्विक अटैक को, कभी ना कभी तो उसे भुलाना ही पड़ेगा। उसके बदले ना मैं शायद सर्फ नहीं तो एक कौन सा तो अच्छा मूव सिखा दूंगा। एंड यार मतलब कि उससे होगा क्या ना गाइज, कि हमारा मतलब कि होगा क्या मतलब कि गाइस यार उससे, ओके तो यहाँ पर हमने ओके बोन्सली बचा है, तो दोस्तों होगा क्या ना कि यहाँ पर जब भी कोई रॉक टाइप पोकेमॉन आएगा ना, तो पिकाचू उससे भागेगा नहीं, उसे हरा के ही रख देगा, इसलिए गाइस यार यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि सर्प अगर मुझे मिल जाए तो सिखा दूँ। बी श्योर टू गो इजी ऑनर, ओके देखते हैं यार, ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करेंगे उसके साथ। तो चलो हमें मिल चुका है एक रॉकी हेलमेट, दैट्स नाइस। तो गाइस यार यहाँ पर मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग कराने वाला हूँ, क्योंकि गाइस यार इस बैटल के पहले ना लूसी के साथ हमारा क्वीन लूसी के साथ बैटल होने जा रहा है, तो इस बैटल के पहले दोस्तों हमारा फैनफी जो है यहाँ पर इवॉल्व होने वाले हैं, यस। तो गाइस यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पर फैनफी अगर इवॉल्व हो गई तो चलिए गाइस यार यहाँ पर जल्दी से मैं यहाँ पर अंदर चला जाता हूँ। 5 डोर्स है, तो हमें 5 में से यहाँ पर कौन सा तो एक में यहाँ पर लूसी छुपी पड़ी है देखना होगा सबसे पहले। तो चलो यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं एंड लेट्स गो टू फर्स्ट फ्लोर। ओके यस 5 पैथ्स में से कौन से तो एक पैथ में है। ओके तो हमने सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ पर अच्छा हुआ ट्रेनर नहीं आया, मैक्स में मिल गया, तो यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके तो नेक्स्ट में यहाँ पर बैठा लेते इसे डंकर कर यहाँ से फिर से मिलता हूँ। तो गाइस यार हमारा बैटल भी कंप्लीट हो चुका है, क्विक बैटल था 10 सेकंड के अंदर ही हो गया। तो चलो अभी ओके तो ये 3rd में भी है क्या? नहीं यार यहाँ पर भी बैटल आ गया, चलो यहाँ पर हम भी बैटल कर लेते हैं जल्दी से।
तो गाइस यहाँ पर हमारा सेकंड बैटल भी डन हो चुका है, तो चलिए चलते हैं थर्ड बैटल के लिए। थर्ड नहीं यार, थर्ड यार कभी पता नहीं यार लूसी कहाँ पर मिलेगी लूसी यार। तो चलो इस देख लेते हैं, यहाँ पर सेव कर लेता हूँ मैं। तो चलो गाइस यार यहाँ पर एक लास्ट वाला चेक करके आते हैं। तो चलिए तो एक बार ये लास्ट वाला चेक करेंगे एंड देन यहाँ पर हम बाजू का चेक करेंगे। ओके वी ऑब्टेन अ सीक्रेट एश, चलो दैट्स नाइस। तो चलो गाइस यार यहाँ पर अभी एक लास्ट बचा है, बट बिफोर दैट गाइस यार यहाँ पर अपना फैंट्री जो है वो फाइनली इवॉल्व होने जा रहा है। यस गाइस यार जिस मोमेंट का मैं इंतजार कर रहा था काफी दिनों से। तो गाइस यार यहाँ पर अपना होल रीजन में यहाँ पर क्या कहूँ यार, फैंट्री यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पर फैंट्री इवॉल्व हो चुका है डॉन फैन में। सो गाइस यार दैट्स रियली नाइस। ओके सो लेट्स गो गाइस यार, अभी एक लास्ट वाले स्टेज में जाना है। तो ओके डॉन फैन लेवल 52 एंड गाइस यार यहाँ पर अभी हम सीधा चलते हैं अंदर की तरफ। तो चलो गाइस यार सबसे पहले तो मैं इसे कुछ तो सिखा देता हूँ ताकि आगे चलकर हमें थोड़ी सी तकलीफ ना आ जाए, क्योंकि ये बैटल जो है वो अभी डॉन फैन ही करने वाला है गाइस। इसलिए ओके हिडन पावर सीख रहा है क्या? यस यस सीख रहा है, हिडन पावर सिखा देते हैं विदाउट एनी फर्दर। तो हिडन पावर 60 नहीं यार, नहीं 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 60 HP भी का मुझे सीखना नहीं है। नीचे देख लेता हूँ, नाइज थंडर बोल्ट अर्थक्वेक विल बी नाइस बट लेट बी फिगर आउट समथिंग मोर। ओके यहाँ पर ब्रिग ब्रेकड़ी नहीं सीख रहा है पाया यार, ब्रिग ब्रेकड़ी तो सीखने का तो क्या काम का यार टू डॉन फैन। हाँ यार उसके हाथ भी नहीं है, हाथ है पर वो पैर के चलने के लिए उसे चल लगते हैं, इसलिए वो शायद ब्रिग ब्रेकड़ी दे नहीं सकता। ओके गिवा इम्पैक्ट सिखा देते, एक बेस्ट मूव होगा अगर डॉन फैन के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि एक्यूरेसी 100 होगी एंड यहाँ पर लास्ट रिकॉर्ड की एक्यूरेसी इतनी खास नहीं है, इसलिए मैं लास्ट रिकॉर्ड्स को भूल जा रहा हूँ। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है गाइस यार, भले ही उस अटैक का HP लो हो, शायद 90-80 हो चलेगा, बट अगर एक्यूरेसी अगर 20-30 हुई ना तो वो अटैक कुछ काम का नहीं है। तो अभी स्टोनेज की एक्यूरेसी देख लेते 80% है, हाँ तो चलेगा, फ्लैम को भूल जाते हैं। 80% एक्यूरेसी इज क्वाइट इनफ, 80-90 बस इतना, 100 तो बहुत हो गई, 80-90 तो हमेशा होनी ही चाहिए एक्यूरेसी। तो चलो गाइस यार यहाँ पर अभी हम चले जाते हैं सीधा। ओके यहाँ पर हमें 133 सर पता नहीं कब मिला। तो चलो गाइस यार यहाँ पर शायद मैं हर वक्त एक्सप्लोर करता हूँ ना, इसके लिए मुझे मिला होगा। तो चलो गाइस यार यहाँ पर अभी हम सीधा सेव कर लेते हैं गेम को एंड लेट्स गो टू बैटल पाइक टू चैलेंज लूसी। यस लूसी यहाँ पर फाइनली है क्योंकि यही लास्ट वजह है, हियर शी इज। हाय लूसी, वेलकम टू द बैटल पाइक, माय नेम इज लूसी। मोस्ट पीपल थिंक दैट इट्स अ प्लानिंग और अ स्ट्रेंथ Our way to go for a battle. While that may be true, you can never. Okay, कुछ बोल. Underestimate the power of love. Let's find out which of us has more. Okay, तो यार ये देखो ना, एक सीधा फैन ही है इस बैटल से, एक के साथ हम बैटल ही कर सकते। So let's go guys, here we go. Drew the gamer versus the Pike Queen Lucy. तो स्वाइपर का इस्तेमाल किया है उसने, अच्छा हुआ मैंने डॉन फैन को ही लेके आ गया। तो लेट्स यूज द स्टोन एज। ओके तो स्वाइपर इज अ क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड यार स्टोन एज कुछ काम नहीं किया। तो चलो यहाँ पर मेरे पास कोई अभी ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं है। ओके तो स्टोन एज इस बार तो काम किया बट कुछ ढंग का काम किया नहीं। तो गाइस यार यहाँ पर मुझे लगता है कि अपना डॉन फैन जो है वो डाउन होने वाला है। यस यहाँ पर पक्का यहाँ पर मेरा डॉन फैन डाउन होने वाला है। तो लगता है इस बैटल को ना पिकाचू को ही हैंडल करना पड़ेगा। तो आ गया यार पिकाचू, तुझे ये पिकाचू बैटल हैंडल करना पड़ेगा एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ यार, यार मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ, पता नहीं यार कब अपना सेटअप आ जाएगा। अगर आपका सपोर्ट आ जाए ना तो हमारा सपोर्ट सेटअप भी आ जाएगा यार, सपोर्ट कर दो मेरा सेटअप आने के लिए, तब ताकि मेरे कोई भी बैकग्राउंड नॉइज़ ना आए, हमारा स्मूथली दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड हो जाए। तो चलो गाइस यार ओके माइलॉटिक लास्ट है, तो एक थंडर बोल्ट दे देते हैं इसे डाउन करने के लिए एंड लेट्स इट गाइस यार। यहाँ पर मुझे लगता है कि वन हिट में तो डाउन नहीं पाएगी माइलॉटिक। ओके तो थोड़ी सी HP बची एंड यार मुझे लगा कि उसके पास चांस था, क्योंकि पिकाचू को सर्व देती थी ना तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता था क्योंकि उसके HP कम है पिकाचू की, बट यार उसने ट्विस्टर का इस्तेमाल किया। माइलॉटिक यू आर बोलना नहीं चाहता बट यू आर डम। ओके स्किल स्ट्रेंथ एंड लक हैव देम ऑल। ओके वी नाउ ऑब्टेन द नेक्स्ट 25 फॉर रनिंग हैव ऑन लक सिंबल। तो गाइस यार हमें टोटल चाहिए अभी 3 सिंबल मोर। ओके एट द ईस्टर्न एक्सप्रेस यू गो टू द इनसाइड द बैटल प्लेस, इट्स लोकेटेड ऑन अ सिलेबर, सो आई विल लुक
और अब उठते हैं। ओके तो चलो गाइस यार आज के वाले वीडियो में इतना ही, हम अपने यहाँ पर ओके।